बज गए। राजन बेटे, आज ही तुमने आने में देर कर दी। क्या करूं माँ, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे काम से, बस तू और तेरा काम। माँ तुम मेरी जिम्मेवारियां नहीं जानती हो इसलिए ऐसा कह रही हो। अच्छा अच्छा, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। नहीं 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 माँ, बहुत देर हो चुकी है, तू सो जा, मैं खुद ले लूंगा। अच्छा राजन, राजन बेटा, राजन उठ भाई उठ, कितनी देर हो गई। राजन उठ भाई, ऑफिस नहीं जाना तुझे। ओह माय गॉड, क्या 8 बज गए? अरे रात भर काम करता रहेगा तो क्या होगा, चल जल्दी कर नहा धो ले, सुरेश आता ही होगा, चल जल्दी कर। हाँ उसे बिठा ना, मैं अभी आया। जा जा। हेलो, हाँ सुधा बोल बोल। अच्छा लड़की वाले आ गए अहमदाबाद से? अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, सनीचर की शाम का रख। हाँ सनीचर की शाम को तू लड़की को लेकर आ जा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं राजन को बोलूंगी, वो घर पर ही रहेगा। हाँ अच्छा, बस और कुछ? अच्छा बाय। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग सुरेश, आओ 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 बैठो। आंटी राजन तैयार हुआ? अरे अभी अभी उठा है, बस आता ही होगा तैयार होकर। बैठो बैठो सुरेश बैठो। हाँ बैठो। हाँ अभी आई सुरेश। हाँ आंटी। तुम उनके इतने अच्छे दोस्त हो, एक साथ काम कर रहे हो इतने सालों से, तुम उसे समझाते क्यों नहीं? क्या समझाना है आंटी? अरे भाई यही कि देर रात तक काम करता रहेगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। आंटी आप एक बार उसकी शादी करा दीजिए, देखिए अपने आप सुधर जाएगा। मैं तो समझा के थक गई, पर वो माने तब ना। हाँ भाई, लेकिन जब सही लड़की मिलेगी अपने आप शादी के लिए राजी हो जाएगा। जी अंकल। हाय सुरेश। हाय राजन। चलो यार जल्दी करो, आज बहुत लेट हो चुका है। हाँ हाँ चलो कमो। अच्छा अंकल हम चलते हैं। पापा मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो भाई सुनो, तुम लोग नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ लेट हो चुका है, अब नाश्ते वास्ते का टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ माँ। बाय पापा। ओके आंटी बाय बाय। सुनो जी, ना 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 करते हुए राजन 35 साल का हो गया, मगर इस साल मैं रुकने वाली नहीं हूँ, इस साल तो मैं उसकी शादी करके ही रहूंगी। लेकिन हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मुमकिन है उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। परवेज माला, वो सैलरी बोनस और प्रोविडेंट फंड की लिस्ट तैयार है ना? अरे भाई वो राजन सर आएंगे अभी, फाइल मांगे, उन्हें फाइल देनी है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय राजन, गुड मॉर्निंग। हेलो माला। दयाराम जी। यस सर। वो रिपोर्ट के फिगर्स आपने टैली कर लिए? जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी ये लीजिए। ये लीजिए सर। हाँ जी टोटल किया हुआ है? जी हाँ। ठीक ओके राइट। थैंक यू मिस्टर बंसल, आपको तो पता है कि जेके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस साल प्रोडक्शन में रिकॉर्ड कायम किया है। जी जी हाँ, इसकी वजह से हमारे शेयर के भाव जो पिछले महीने 200 रुपए के थे, इस महीने 500 रुपए के हो गए। हाँ
और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि अहमदाबाद का प्लांट्स का जो प्रोडक्शन शुरू होगा उसके बाद कंपनी के शेयर के भाव 1000 से कम नहीं होंगे। जी जी हाँ जी हाँ, ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग, ओके। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने जो स्टेटमेंट्स मंगवाए थे मैं ले आया। वेरी गुड राजन, मेरे ख्याल से तुमने डे एंड नाइट काम किया होगा। जी सर, काम भी तो अर्जेंट था, एंड आफ्टर ऑल इट्स माय ड्यूटी सर। वेरी गुड, जरा मुझे राउंड फिगर बताओगे? श्योर सर, डिविडेंड का स्टेटमेंट मैं अलग से बना रहा हूँ, लेकिन अपने यहाँ रीजनल ऑफिस के स्टाफ और उसके बोनस और इंसेंटिव्स मिलाकर करीब 50 लाख के करीब है सर अमाउंट। ओ, काफी बड़ा अमाउंट है। जी राजन, बैंक से विड्रॉ करते टाइम जरा सावधानी बरतना। जी, और सर मैं ये कह रहा था अपने अहमदाबाद फैक्ट्री के ओपनिंग के लिए अगर हम कमांडर को बुला ले तो कैसा रहेगा सर? दैट्स वंडरफुल, क्या वो आने के लिए तैयार हो जाएगा? श्योर सर, आई नो हिम पर्सनली। देन वेरी गुड, गो अहेड। थैंक यू सर। ओके। अगले महीने की 14-15 तारीख, वैसे तो मेरा प्रोग्राम मद्रास जाने का है, लेकिन राजन तुमने इनवाइट किया तो आना पड़ेगा। थैंक यू कमांडर, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। एनीवे, डैडी मम्मी कैसे? अच्छे है, तुम्हें याद करते हैं, कभी घर पे तो आओ। आ जाओगे तो मैं चलो। ओके बाय। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय। हेलो कमांडर, ये हाँ बोलिए मल्होत्रा साहब। जी हाँ, मैं आऊंगा, 2-3 दिन में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। लीजिए राजन, सुरेश क्यों नहीं आया अब तक? पता नहीं माँ, अब मैं नहीं रोकना उसके लिए। बेटा शाम को जल्दी आओगे ना? मगर क्यों? वो अहमदाबाद वाले मेहता अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं। ओफो माँ, मैंने तुम्हें कितनी दफे कहा है कि मुझे। राजन बेटा एक बार देख तो ले उसे, बहुत खूबसूरत है वो। ठीक है, देख अगर तुझे कोई दूसरी पसंद है तो बताना। ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो फिर शाम को जल्दी आएगा ना? हाँ, जल्दी आना। हाँ ओके। और देख गाड़ी तेज मत चलाना। ओके बाबा, ओके जाता हूँ पापा, चलता हूँ मैं। बाय बेटा। सावित्री तुम मानो या न मानो, इस लड़के ने किसी लड़की को पसंद कर लिया। Thank you.
अच्छा तो आपके कहने के मुताबिक राजन आज ऑफिस पहुंचा ही नहीं। वो जहां जहां जाता था वहां आपने इंक्वायरी की? हाँ कमांडर, मैंने हर जगह इंक्वायरी कर ली, वो कहीं नहीं गया है। सूरज, मैंने तो सुना है कि ऑफिस जाते वक्त तुम हमेशा राजन के साथ जाया करते थे। जी, तो आज क्यों ना इसके साथ गए? कमांडर, दरअसल आज मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना था, इसलिए मैं ऑफिस भी लेट पहुंचा। ऑफिस जाते वक्त राजन ने आपसे कुछ कहा था? जी नहीं, बल्कि उसने तो ये कहा था कि मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। और देखिए ना, रात के 12:30 बज गए, अभी तक वो नहीं आया। कितनी फिक्र हो रही है मुझे। अंकल, आपका किसी पर शक है? जी नहीं। वैसे मैं भी तो राजन को अच्छी तरह से जानता हूं, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। फिर भी इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके बिजनेस में आपका कोई दुश्मन? चीफ, कुछ कह नहीं सकता। कमांडर, कुछ भी कीजिए, हमारे राजन को वापस ले आइए। आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। सुरेश? जी कमांडर। तुम्हारे ऑफिस में राजन की किसी के साथ दुश्मनी थी? जी नहीं, राजन खुद ऐसा नहीं है, और कमांडर आप तो उसे अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सीधा साधा है वो। अरे अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं इंक्वायरी शुरू कर देता हूं। ओके, सबसे पहले हॉस्पिटल में इंक्वायरी करा। सुरेश, कल मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूं। प्रसाद साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए। गुड मॉर्निंग कमांडर। गुड मॉर्निंग। क्या राजन का कोई पता चला? जी नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन राजन का पता लगाने के लिए मुझे आपकी और आपके सारे स्टाफ की मदद चाहिए। क्यों नहीं कमांडर? कमांडर, क्या आपको लगता है कि इस मामले में मेरे स्टाफ का कोई आदमी इन्वॉल्व है? पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इस ऑफिस के बाहर उसके दोस्त बहुत कम है, इसलिए उसके दुश्मन भी इसी ऑफिस में होने चाहिए आप लोगों के बीच। हमारे बीच? खैर, एनीवे कमांडर, आप कुछ भी कीजिए, मगर राजन को वापस ले आइए। ही इज द बेस्ट मैन इन आवर ऑफिस, मैं उसे खोना नहीं चाहता, वो मेरे भाई जैसा है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, राजन मेरा भी दोस्त है, लेकिन एक बात मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या इन दिनों वो कोई इंपॉर्टेंट फाइल हैंडल कर रहा था? जी हाँ कमांडर, इन दिनों वो कंपनी के फाइनेंस स्टेटस पर काम कर रहा था, और हाँ, कुछ जरूरी कागजात वो अपने साथ घर भी ले गया था। बस
उसके बाद से गायब है। उसके साथ कौन कौन काम कर रहे थे? कुलकर्णी, दयाराम और माला। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हेलो, हाँ कुलकर्णी बोल रहा हूँ। यस कमांडर, मुझसे ठीक है, आता हूँ।